गुड फ्राइडे के अवसर पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्राइस्ट चर्च के फादर डीआर लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिससे कि मानव का कल्याण हो सके, तथा आज ही के दिन रोमी सरकार के धर्मगुरु के निर्देश पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का मृत्युदंड दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके हाथों पर कीलें ठोकी गईं तथा उनको कोड़ों से मारा गया, उनको प्रताड़ित करते हुए क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि क्रूस पर चढ़ते हुए भी अपने प्रेम को मानव के प्रति बरकरार रखा। इस तरह से उन्होंने सात वाणियां क्रूस पर से कही। यह सातों वाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन में इन वाणियों का अनुसरण करें तो बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में मसीही समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च के पुरोहित डीआर लाल ने कहा, और इसका पहला और चौथा वहां पर खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु की तरफ भेजा। इसका फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। हमारे जीवन से परमेश्वर
परमेश्वर उस प्रेम उस दया को हम अपने जीवन में स्मरण करें। हमारे सशक्तिमान परमेश्वर हम उनका आशीर्वाद को स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें। विशेष तौर से प्रभु जी उस प्रेम को जो आपने हमसे किया, हम आपसी समाज में एक दूसरे से केवल अपने परिवार के सदस्य से ही नहीं, केवल अपने प्रभु जी चर्च के सदस्य से ही नहीं, केवल अपने पड़ोसियों से नहीं, बल्कि संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष प्रभु जी हम उस प्रेम को प्रदर्शित करने वाले हो सके। क्योंकि यह जाए ईश्वर जब हम प्रेम करेंगे किसी से प्रभु जी तो हमारा सब कुछ उसके प्रति समर्पित होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर हम इस शिक्षा को जो आपने हमें प्रेम की पुस्तक से सिखाई है उसको हम प्रभु जी आत्मसात करने का प्रयास करें। हमारे जीवन में परमेश्वर क्रूस पर से कहे गए प्रथम वचन को जबकि लोगों ने आपको हाथों से मारा, घोड़ों से मारा, आपके सारे शरीर को लहू लुहान कर दिया, आपके हाथों और पैरों में हीले को आपको क्रूस पर लटका दिया और ऐसे समय में प्रभु जी उस आदर्श को सदैव अपने जीवन में रखे जब विरुद्धा पहाड़ी के रूप में आपने सारे मानव जाति इकट्ठा हो लोगों को युद्धों से उनको जरा उठा के बोल कहा प्रार्थना के लिए पिता से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस क्षमा की भावना को क्षमा की विशेषता को हम जो आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु जी आपके विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे जीवन परमेश्वर हमारे जीवनों में साक्षात रूप से दर्शित हो। हमारे कार्य, हमारी विनम्रता, हमारा स्वभाव, हमारी बातचीत ऐसी हो प्रभु जी कि हम जान सकें कि हमारे अंदर वो क्षमा की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो क्षमा का विशेष गुण हमारे अंदर पाया जाता है। मेरा नाम रेवरेंड डी आर लाल है, मैं क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक का प्रभारी पुरोहित हूँ। देखिए गुड फ्राइडे जो है सारे विश्व में मनाया जाता है, विश्व स्तर पर इसलिए मनाया जाता है कि आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की योजना के अनुसार मानव जाति के उद्धार के लिए एक महान बलिदान देने के लिए आए और आज के दिन रोमी सरकार और यहूदी जो धर्मगुरु थे उनके खड्यंत्र से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का मृत्युदंड दिया गया। उनके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गईं, कोड़ों से मारा गया, बहुत प्रताड़ित करते हुए उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रेम को यथावत रखा मानव के प्रति और उन्होंने सबसे पहले वो लोग जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनके लिए कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इस वाणी के द्वारा उन्होंने सारे मानव जाति को क्षमा का पाठ पढ़ाया और इसी प्रकार 7 वाणियाँ उन्होंने क्रूस पर से कही जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि उन वाणियों को हम अपने जीवनों में आत्मसात करें तो बहुत सारी समस्याओं का इस विश्व में हमारे समाज में अंत हो सकता है और हम अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। उसी स्मरण में हम गुड फ्राइडे की इस आराधना को 3 घंटे के लिए करते हैं और 3 घंटे में इन 7 वाणियों पर हम विचार करते हैं, व्याख्यान करते हैं, प्रभु की महिमा के गीत गाते हैं और इसे हम स्मरण करके उनके उस महान बलिदान को याद करते हैं अपने जीवन में।